अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल से लालू यादव की बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भर दिया है। उधर पूर्व सांसद दिवंगत शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब RJD से खुश नहीं है। हिना साहब ने सिवान में मीडिया कर्मियों से कहा, हम अपने लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के लोग मेरे परिवार की तरह हैं और मैं कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर समर्थक के साथ इस पर चर्चा करूंगी। फिलहाल मैं राजद नहीं छोड़ रही हूं। आपको बता दें कि मोहम्मद शाहबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने लालू यादव परिवार पर उनसे दूरी बनाए रखने का आरोप लगाया था। हिना साहब और उनके समर्थकों के अनुसार तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव नई दिल्ली में शाहबुद्दीन की कब्र पर श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हालांकि पिछले दिनों सिवान में मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब की शादी में शामिल हुए थे। शुक्रवार को सिवान के एक निजी होटल में राजद कार्यकर्ताओं की हाई लेवल बैठक हुई, जहां शाहबुद्दीन के समर्थकों ने हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजने के फैसले को लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले को जलाया। बैठक में राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी, बच्चा पांडे, हरिशंकर यादव और MLC विनोद जायसवाल मौजूद नहीं थे। हालांकि अब कयास लगाया जा रहा है कि हिना साहब लालू यादव की पार्टी RJD को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी JDU का दामन थाम लेंगी, लेकिन सभी कयासों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सबकी निगाहें हिना साहब के फैसले पर टिकी हैं, उधरेंगी, लेकिन इसको लेकर JDU के द्वारा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि JDU के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने हिना साहब को पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। और बिहार भर के जितने भी लोग हमारे हैं वो सब हमारे अपने हैं। सबकी विचारों को, सबकी आवाज को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार। क्या ही ना सर, RJD छोड़ेंगे? मैम, क्या ही ना साहब राजद छोड़ेंगी? ऐसा अभी हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग सारे लोग पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे और जब सब लोगों का एक आवाज होगी वही आवाज हमारी।